भारत की उन 28 करोड़ व्यक्तियों का स्वागत है जो अपनी 50 की एज क्रॉस कर चुके हैं द 50+ इंडियंस के इस नए एपिसोड में। शुरुआत करेंगे हल्की फुल्की कॉमेडी से। कभी कभी सैटर्न कैसे भारी पड़ जाती है वो भी देखिए आप। तो चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। हाय हाय, आप बहुत खूबसूरत हो। शुक्रिया। आज शाम को अपन कहीं बाहर मिल सकते हैं क्या? जी नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या हुआ, पति से बोल देना बाहर सहेली से मिलने जा रही हूँ। जी नहीं, मैं उन्हें नहीं बोल पाऊँगी, आप ही उन्हें बोल दो। आज वो अभी आपके ही बाल काट रहे हैं। गाना यदि ऑर्केस्ट्रा के साथ हो तो एक अलग ही आनंद आता है। अब कभी लाइव जाए प्रोग्राम में तो ये सब बहुत से यूट्यूब पे भी प्रोग्राम बहुत सारे मिलते हैं, तो शौकियों में घोला जाए। देखिए आप इस गाने को विथ ऑर्केस्ट्रा, लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग, इट इज़ वेरी मच ऑन यूट्यूब। शौकियों में भूला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शरार। अरे होगा यूं नशा जो तैयार, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शौकियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। और होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शौकियों में घोला जाए फूलों का शबाब। हंसता हुआ बचपन को बहका हुआ मौसम है, छेड़ तो एक शोला है, छूल तो बस शबनम है। हंसता हुआ बचपन को बहका हुआ मौसम है, छेड़ तो एक शोला है, छूल तो बस शबनम है। शहर में जैसे बजने लगी शहनाई, आना हो जाना हो कैसा भी जमाना हो, उतरे कभी ना जो कुमार हो। प्यार है शौकियों में खोला जाए फूलों का शबाब,
उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। हो गई नशा जो तैयार, वो प्यार है शोभियों में भोला जाए फूलों का शबा। विदेशों में ऐसा होता है कि आप 65 क्रॉस कर चुके हैं, वो आपको बहुत बढ़िया सोशल सिक्योरिटी मिली हुई है, अच्छी खासी पेंशन हाथ में आती है, मौसम आप देखिए चारों तरफ जगह ही जगह हैं, तो ये वहाँ के लोग कैसे आनंद ले सकते हैं इन चीज़ों का, वो आप देखिए। डोंट अटेम्प्ट इट इन इंडिया इन लोकल कंडीशंस, जो कि ट्रैफिक के अंदर भी आपको लगा जाएगी। तो चलिए इस वीडियो का तो आनंद लेते हैं, विच इज़ वेरी मच वायरल ऑन व्हाट्सएप। बर्बादियों का सौग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सौग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सौग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सौग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सौग मनाना फजूल था, यूट्यूब पर एक चैनल है वाई एंड वॉट, बड़े अच्छे छोटे छोटे जो हैं फिल्में बनाते रहते हैं, तो आपको आपकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं देख के। ज़रा देखिए ये जो जनाब हैं बड़े अच्छी सेवाएं करते रहते हैं एडल्ट्स की, बड़े एल्डरली लोगों की। और जैसे जापान में कहा जाता था कि वहाँ तो अब तो बहुत ही बहुत उम्र के लोग हो रहे हैं, मोबाइल के आने से और सोशल मीडिया के आने से लोग इतना लोनली फील नहीं करते हैं, पहले तो बहुत लोग लोनली फील करते थे। देयर इज़ टू बी ग्रुप्स ऑफ 4-5 यंग पीपल, वहाँ जाएंगे बुजुर्ग के पास बैठेंगे गप्पे मारेंगे, अब वो जरूरत कम है। लेकिन ये आप वीडियो देखिए आपको अच्छा आनंद आएगा और थोड़ा सा आपको गम भी होगा, देखते हैं। ये सब किसके लिए है? क्या नाम है उसका? वो शैतान। कौन? जी मैं रिजवान। अरे हाँ हाँ, हमारे पोते का फोन आया था वैक्सीनेशन के लिए। जी जी वही फेसबुक वाले।
परागपुर के आसपास सीनियर सिटीजंस को टीके लगवाने में मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइए। थैंक यू बेटा, तुम हो वरना जी घबराता है। जी 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 आंटी जी विनोद, आइए। साइड इफेक्ट के लिए मैंने काफी सुना है। आप भी कैलाश अंकल, अगर साइड इफेक्ट हुए ना तो रिजवान आपके साइड में खड़ा होगा। ये तो बड़ी अच्छी लाइन है। साथ कौन आया है? अरे वो है ना। अच्छा रिजवान। कौन रिजवान? जी वो फेसबुक पे आपकी बेटी ने मैसेज किया था वैक्सीनेशन के लिए। हाँ तो करवा दो उसका वैक्सीनेशन। सर अनपेड लीव ही सही, बट नहीं सर अभी, बट आई नीड एटलीस्ट 2-3 months। फेसबुक पे आपने पापा ना मेरी सुनते ना न्यूज की, शायद आपकी सुन ले। क्या आप भी? द्विवेदी अंकल, तौफीक चाचा, सलमा चाची, रावत साहब। कौन रावत भी? हाँ मेरा भी घर। हेलो, तुम फिर आ गए? वेबसाइट सरकार ने बनाई, अपॉइंटमेंट मैं ले। चपड़ 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 चपड़, बैटरी डाउन ही नहीं होती इसकी। कैसे जिद बेड़ा फिरता है बेबाक तू, सोए दिल भी जगा जाता है जज्बात तू। कैलाश अंकल का दूसरा डोज हो गया आज, सलीम अंकल को कल लेके जा रहा हूँ। अच्छा इसकी सूखी सब्जी बनती है क्या सिर्फ? यप, गीली भी बना दू। देखिए आपको डायबिटीज भी है। लगता है बारिश होगी आज। छोड़ दे रिजवान, मेरे अपने मुझे मना नहीं पाए। अपने? तो फिर मैं कौन हूं? कोई नहीं। आज पता चला उसने मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ा। अम्मी अबू आपके जाने के बाद ईद कैसे मनाऊं? मैंने तेरा फेसबुक पोस्ट पढ़ा। अम्मी अब्बू के बाद ईद कैसे मनाएगा? तो फिर मैं कौन हूं? कोई नहीं। ठंडी छोट से कलिया खिल आएगी।
साथ मांगिए, साथ दीजिए, साथ पाइए। फेसबुक 1956 की बातें कर रहे हैं अपने जयवीर ठाकर, और उसी साल मूवी आई थी बसंत बहार, इस बार उसकी बात कर रहे हैं। द मूवी वॉज मोस्ट एंजेबल फॉर इट्स सॉन्ग्स, बहुत बढ़िया सॉन्ग्स थे। तो सुनिए, अपन सुनते हैं जयवीर ठाकर के मुंह से रिगार्डिंग बसंत बहार 1956। नमस्ते मित्रों, 1956 सन 1956 की एक बेहतरीन फिल्म बसंत बहार, अपने नाम तो सुना होगा। इस फिल्म के गाने इतने मशहूर हुए, इतने लोकप्रिय हुए थे कि क्या कहने, रेडियो पर बजते ही रहते थे, विविध भारती पर, श्रीलंका पर, रेडियो सिलोन तब कहते थे उसे। बड़े प्यारे गीत हैं, कुछ मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए, कुछ मन्ना डे के गाए हुए, उसमें भीमसेन जोशी ने मन्ना डे को साथ दिया है और हार जाते हैं कंपटीशन में, जस्ट इमेजिन। और जब मैंने कहीं पढ़ा था कि जब मन्ना डे से कहा गया, जब शंकर जयकिशन ने मन्ना डे से कहा कि भी एक गाना गाना है केत की गुलाब जुई, तो आपको, आप भारत भूषण का आप प्लेबैक करेंगे और जो सामने जो कंपटीशन में जो है वो होंगे भीमसेन जोशी, और आपको जीतना है, बोलते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं उनके सामने कैसे जीतूं? तो ये, और भीमसेन जोशी ने भी कहा इसमें क्या बड़ी बात, ये तो शो इट्स अ शो थिंग, यू नो, आपको शो करना है, करिए शो टाइम। तो ऐसे महान कलाकार हुआ करते थे तब, इसलिए फिल्में भी अच्छी बनती थी ना। तो ये बसंत बहार की कहानी तो साधारण है, हमेशा जो आती आई है वैसा, कि वो बड़ा शौकीन एक लड़का है, उसे गाने का बहुत शौक़ है, और उसका बाप जो है वो ज्योतिषी है, और उसे कहता है कि तुम बड़े ज्योतिषी बनो, राज ज्योतिषी बनो मेरी तरह। और बोलता है नहीं नहीं, मैं राज ज्योतिषी नहीं, मगर मैं राज गवैया बनना चाहता हूँ, गायक बनना चाहता हूँ। तो वो बाप और बेटे के बीच में वो करियर का जो मामला होता है, पुराने ज़माने से चला आया है वो था। और फिर वो कंपटीशन में जाता है, तो बीच में उसको जो उसके साथ जो उसका जो प्रतिस्पर्धी जो था, वो उसे कुछ ऐसी सिंदूर जैसी कोई चीज़ पिला देता है ताकि उसकी आवाज़ बिल्कुल चली जाए, पहले ख़राब हो जाती है और फिर चली जाती है, तो वो गुंगा हो जाता है, गा नहीं सकता। तो ये बड़ी दुख की बात होती है कि जिसे इतनी महत्वाकांक्षा हो, जिसे इतनी एम्बिशन हो राज गवैया बनने की, वो कुछ बिल्कुल बोल भी ना सके। तो ये जो निम्मी जो है वो उसकी फ्रेंड बनती है, दोस्त बनती है, और फिर प्रियतमा बनती है, वो उसे धीरे 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 करके उसकी आवाज़ वापस लाती है। तो ये प्रेम कहानी है इन दोनों की, और फिर तो वो ठीक हो जाता है, नेचुरली होना ही है, और फिर वो दरबार में जाके कंपटीशन जीतता भी है। तो ये कहानी है, कहानी जैसे आपने देखा ना, कोई ख़ास नहीं है, मगर गाने, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, फिर नैन मिले चैन कहाँ, दिल है वहीं तू है जहाँ, अरे बाप रे, मैं कितने गाने बताऊँ आपको, गाने हैं गाने 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 गाने, तो 9 गाने हैं इसमें, और हर गीत इज़ अ मास्टरपीस। शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने ये गाने लिखे थे, लिखे और बनाए थे, और राजा नवाथे ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। राजा नवाथे बड़े पीढ़, बड़े अच्छे उस्ताद माने जाते थे डायरेक्शन में। तो आप ज़रूर देखिए बसंत बहार